हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एचएससी फिजिक्स 2020 का जो रिपीटर बोर्ड एग्जाम हुआ था 24 नवंबर 2020 को, इस बोर्ड एग्जाम का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ द वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इज डैश, आंसर इज स्फेरिकल। इन प्रैक्टिस पॉइजन्स रेशो लाइज बिटवीन 0 and 0.5। डिटर्जेंट्स आर यूज फॉर क्लीनिंग द क्लोथ्स बिकॉज दे रिड्यूस सरफेस टेंशन। द टोटल चार्ज इंड्यूस इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन टोटल चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन साइड अ सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। टू सोर्सेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। If n capacitors, each of capacity C are connected in parallel across a source of EMF V volt, then the energy stored in the system of capacitor is 1 upon 2n CV square. Two discs made of the same material and of same thickness have radii 0.2 meter and 0.6 meter respectively. Ratio of their moment of inertia about the perpendicular axis passing through the center of mass is 1:81. Two simple harmonic motions are represented by y1 is equals to 4 sine 4 pi t plus pi by 2 and y2 is equals to 3 cos 4 pi t. Their resultant amplitude is 7 unit. The susceptibility of a paramagnetic material is chi at 27 degree Celsius. Its susceptibility will be chi by 3 at dash temperature. Answer will be 627 degree Celsius. क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस है 1-1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन, स्टेट द डायमेंशंस ऑफ एमईसी पावर ऑफ अ बॉडी। सो एमईसी पावर का डायमेंशन रहता है L0 m1 t^-3। सेकंड क्वेश्चन, राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। सो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन रहता है समीशन ऑफ आईआर प्लस समीशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू 0। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड ईएमएफ एंड करंट फ्लोइंग थ्रू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहता है उसके अंदर करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस रहता है वो जीरो रहता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। सो इस वजह से इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड इन प्योर सिलिकॉन, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। आंसर इज एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ रेंज फॉर द लाइन ऑफ साइट ऑफ प्रोपेगेशन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ आर एंड हाइट एच ऑफ द एंटेना। सो रेंज का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है अंडर रूट 2RH। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इससे कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू मिलेगा 50 pi। ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 pi n। सो 2 pi n से यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा 25 hertz। पीरियड क्या होता है, पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी रहता है, तो यहाँ से हम लोगों को पीरियड का आंसर मिलेगा 0.04 सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड द सक्सेसिव वाइब्रेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फाउंड टू बी 250 हर्ट्ज 350 हर्ट्ज एंड 450 हर्ट्ज, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम। सो आंसर इज 250 हर्ट्ज। उसके बाद सेक्शन बी, इस सेक्शन के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से एनी 8 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ सर्फेस इज 2r√π ρg/3। यहाँ पर रो क्या है, रो है एवरेज डेंसिटी एंड जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसका कंप्लीट प्रूफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, स्टेट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। सो सबसे पहले देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब यहाँ पर है, इसका जो एसआई यूनिट रहता है वो रहता है मीटर और इसका जो डायमेंशन रहता है वो रहता है L1 m0 t0। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो आपको डेरिवेशन रहता है वो यहाँ पे आपको करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपेडेंस से स्टार्ट करते हैं। इंपेडेंस क्या होता है, इंपेडेंस का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट R² - इंडक्टिव रिएक्टेंस - कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है, तो इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा इनटू एल, एल मतलब होता है इंडक्टेंस, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 upon ωc और सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 pi f, तो ओमेगा को 2 pi f से रिप्लेस कर देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा 1 upon 2 pi √LC। ये फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का।
क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड ट्रांसड्यूसर. मॉड्यूलेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन, एंड देन उसके बाद ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर क्या होता है? अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. कोई भी ऐसा डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट. SHM में जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रहती है ये कैसे वेरी होती है वो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था. तो देखिए ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई एन एस्ट्रोनॉट इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैव अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस. सो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 10, अ स्ट्रेस सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विद अ ट्यूनिंग फॉक. व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4% द नंबर ऑफ बीट्स हर्ट पर सेकंड इज 6. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉक. सो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉक वो रहेगा 156 हर्ट्ज. क्वेश्चन नंबर 11, एट 27 डिग्री सेल्सियस 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 0.025 मीटर क्यूब. कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट. मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन एज 32 ग्राम पर मोल. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज आर इज गिवन एज 8.4 जूल पर मोल केल्विन. सो यहाँ पर सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रेशर इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V. N क्या रहता है? N रहता है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास अपॉन मोलार मास. सो यहाँ पे हम लोग मास, मोलार मास, R, T एंड V ये सारी चीज़ों का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्रेशर इज इक्वल्स टू 50400 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अ बायप्रिज्म इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम. द विथ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन अ स्ट्रिंग प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द बायप्रिज्म इज 9.424 × 10⁻²⁻² सेंटीमीटर. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस. इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वेवलेंथ गिवन है, और यहाँ पर देखिए विथ ऑफ द फ्रिंज गिवन है, विथ आपको कैपिटल डी भी गिवन है. कैपिटल डी क्या है? 5 + 75, टोटल 80 सेंटीमीटर कैपिटल डी का वैल्यू. आपको क्या करना है, स्मॉल डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब आपको स्मॉल डी का वैल्यू कैलकुलेट करना था. तो यहाँ पे सिंपली हम लोग विथ ऑफ द फ्रिंजेस का फॉर्मूला यूज करेंगे. विथ ऑफ द फ्रिंज क्या होता है? विथ इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी. हम लोगों को क्या करना है, स्मॉल डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो स्मॉल डी विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय कैपिटल डब्ल्यू. सो स्मॉल डी हो जाएगा लैम्बडा डी अपॉन डब्ल्यू. लैम्बडा डी एंड डब्ल्यू ये तीनों का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन अ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस टू जीरो एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.1 सेकंड. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 3 हेनरी, व्हाट इज द EMF इन द सेकेंडरी. यहाँ पे देखिए चेंज इन करंट गिवन है 10 एम्पियर, टाइम गिवन है 0.1 सेकंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है 3 हेनरी. हम लोगों को इंड्यूस EMF कैलकुलेट करना था. तो इंड्यूस EMF का यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी. सो 3 × 10⁻⁰ विच इज इक्वल टू 300 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटोन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. मास ऑफ प्रोटोन इज गिवन एज 1.673 × 10⁻²⁷ kg. सो सिंपली हम लोग यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करेंगे. डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या रहता है? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2 MPeV. सो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहता है, 6.63 × 10⁻³⁴ अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 × मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.673 × 10⁻²⁷ मल्टीप्लाई बाय ई मतलब चार्ज. चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना रहता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई बाय वी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 गिवन है. इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0452 एंगस्ट्रॉम. उसके बाद सेक्शन सी. सेक्शन सी के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है. 12 क्वेश्चन में से आपको एनी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए. पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना था, एंड देन उसके बाद उसका प्रूफ लिखना था. तो ये है स्टेटमेंट, एंड देन उसके बाद इसका कंप्लीट प्रूफ यहाँ पर है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो सबसे पहले गॉस थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट है, एंड देन इसका कंप्लीट प्रूफ. देखिए गॉस थ्योरम का ये है कंप्लीट प्रूफ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन विद अ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज का यूज करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं, उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था कंप्लीट सर्किट डायग्राम के साथ. तो देखिए इसका यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले डायग्राम एंड डायग्राम के बाद फिर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV. सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा 3/2 P, एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस आएगा 3/2 RT.
क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, स्टेट द कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न। सबसे पहले इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं वो बताना था, तो उसका कंप्लीट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। एंड देन उसके बाद कंडीशन, स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑप्टेन करने की क्या कंडीशंस रहती है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना था। मैंने यहाँ पे टोटल 6 कंडीशन मेंशन किया हूँ, आप लोग एनी 4 कंडीशन मेंशन कर सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक सेल, फोटोइलेक्ट्रिक सेल का कंस्ट्रक्शन बताना है एंड इसका वर्किंग कैसे काम करता है वो बताना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका डायग्राम है, डायग्राम के बाद इसका कंस्ट्रक्शन है, एंड कंस्ट्रक्शन के बाद ये कैसे काम करता है उसका वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसिस्टर एज अ स्विच, ट्रांसिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है उसके ऊपर आपको एज शॉर्ट नोट लिखना था। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम, ट्रांसिस्टर एज अ स्विच, एंड देन ट्रांसिस्टर एज अ स्विच में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, एक रहता है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में ट्रांसिस्टर ऑफ रहता है, और एक रहता है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में ट्रांसिस्टर ऑन रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पीयर, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 टू 50 एम्पीयर, ऑल्सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। इसके अंदर क्या करना है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर गिवन है, हमें इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टर यूज होता है, और शंट रेजिस्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है IG अपॉन I-IG इनटू G। यहाँ पे IG क्या है, IG इज द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 50/4999 ओम। ये हो गया हमारा शंट रेजिस्टेंस। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली रेजिस्टेंस इन पैरेलल इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा ही था। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल रहते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, सो इसका यहाँ पे हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/Equivalent resistance = 1/G + 1/Shunt resistance। सो इसका आंसर आएगा 0.01 ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम एयर टू ग्लास इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज 4×10^14 हर्ट्ज, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ लाइट इन द ग्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चेंज इन वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, मींस लाइट अगर एयर से ग्लास में पास होती है तो उसके वेवलेंथ में क्या चेंज होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड देन उसके बाद ग्लास में लाइट का वेव नंबर क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वेवलेंथ इन एयर कैलकुलेट करेंगे, सो वेवलेंथ इन एयर का आंसर आएगा 7500 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद वेवलेंथ इन ग्लास कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। सो चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ होगा 7500 - 5000, दैट इज इक्वल्स टू 2500 एंगस्ट्रॉम। सो चेंज इन वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमें वेव नंबर इन ग्लास कैलकुलेट करना था, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। हमें क्या करना है, वेव नंबर इन ग्लास कैलकुलेट करना है, तो इस वजह से इसका फॉर्मूला रहेगा 1/Wavelength in glass। सो 1/Wavelength कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है, सो इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो 2×10^6 पर मीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm² इज स्ट्रेच्ड बाय 10 न्यूटन, कैलकुलेट द लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 2×10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्टील इज 0.291। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। गिवन के बाद हमें क्या करना है, हमें लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इंटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो यहाँ से हमें लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पता चल जाएगा। एंड देन उसके बाद हम लोग पॉइजन्स रेशियो का यूज़ करके लेटरल स्ट्रेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हमने अभी यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया, तो ये दोनों वैल्यू का यूज़ करके हम लोग सिंपली लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1.455×10^-5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द स्पीड लिमिट फॉर व्हीकल्स ऑन अ रोड इज 100 km/h, अ पुलिसमैन डिटेक्ट्स अ ड्रॉप ऑफ 20% इन द पिच ऑफ द हॉर्न ऑफ अ कार एज इट पासेस हिम, इज द पुलिसमैन इज जस्टिफाइड इन पनिशिंग द कार ड्राइवर फॉर क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड।
तो देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर है। सबसे पहले अलाउड स्पीड क्या है वो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो कार की स्पीड है ना उसकी स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। अलाउड स्पीड यहाँ पे देखिए हमने कैलकुलेट किया 27.78 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद हम लोग कार की स्पीड को कैलकुलेट करेंगे, कार की स्पीड हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.78 मीटर पर सेकेंड। मतलब कार की जो स्पीड है वो अलाउड स्पीड से, जो मैक्सिमम अलाउड स्पीड है उससे ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे आंसर आएगा पुलिस मैन इज जस्टिफाइड इन पनिशिंग द कार ड्राइवर फॉर क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.8×10⁹ मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर रेडियस का वैल्यू गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.8×10⁹ मेगाहर्ट्ज। इसको हम लोग हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.8×10⁵ हर्ट्ज। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है करंट इंटू एरिया। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब क्यू अपॉन टी इंटू ए। अब देखिए 1/T का मतलब क्या होता है, 1/T का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी एफ। तो इस वजह से इसका फाइनल फार्मूला रहेगा क्यू इंटू 1/T की जगह पे हमने एफ लिख दिया और ए का यहाँ पे फार्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, चार्ज क्यू का वैल्यू क्या रहता है 1.6×10⁻¹⁹, एफ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पाई का वैल्यू 3.142 एंड रेडियस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.6025×10⁻²⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद सेक्शन डी, इस सेक्शन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस है, 5 में से एनी 3 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या रहता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ऑप्टेन करना है, देन उसके बाद वेलोसिटी एंड देन डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेशन एक्सेलरेशन के लिए एंड देन उसके बाद वेलोसिटी के लिए यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेशन है एंड देन फाइनली यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन फर्स्ट टू सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखिए सबसे पहले ये एनर्जी लेवल डायग्राम है एंड देन इसके अंदर आप लोग सीरीज यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट सीरीज लाइक लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज और इसके आगे की जो सीरीज रहती है लाइक पीफन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। आपको क्या करना था, जो फर्स्ट टू सीरीज है लाइमन एंड बाल्मर इसको एक्सप्लेन करना था। तो लाइमन सीरीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है एंड बाल्मर सीरीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। क्या करना है, कॉनिकल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन ऑप्टेन करना है। तो इसका सिंपल डेरिवेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका आपका टी का आंसर आएगा 2π√L cos θ/g एंड देन डेरिवेशन के बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी गिवन है, आपको इसे सॉल्व करना है। इसके अंदर सबसे पहले लीनियर स्पीड कैलकुलेट करना है एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अंदर मास गिवन है, रेडियस गिवन है एंड ओमेगा गिवन है। देखिए यहाँ पे लीनियर स्पीड कैलकुलेट करना था, लीनियर स्पीड का फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m×ω² × r। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.25 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करना था। तो सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का यहाँ पे डेफिनेशन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप किया हूँ मैंने एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना था। सो यहाँ पर अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आपको आएगा h2=4.5 cm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन द टर्म्स फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन किसे कहते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना था 1-1 मार्क्स के लिए एंड देन उसके बाद यहाँ पे 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है। तो देखिए सबसे पहले फ्री वाइब्रेशन का एक्सप्लेनेशन एंड देन फोर्स वाइब्रेशन किसे कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन एंड देन उसके बाद ये जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना था, इसके अंदर एंड करेक्शन एंड इनर डायमीटर कैलकुलेट करना है, मतलब ई एंड डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। L1 L2 दिया हुआ है, सो L1 एंड L2 का यूज़ करके सबसे पहले हम लोग ई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड करेक्शन, सो एंड करेक्शन का आंसर आएगा 1.1
1 to 5 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन का यूज़ करके हम लोग इनर डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आएगा 3.75 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, ये फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अभी जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको वायलन ऐप में फ्री में मिल जाएगा। वायलन ऐप को डाउनलोड करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें।